ये कच्चे आलू को मिक्सी में चला के ऐसा डोसा बनाएंगे कि ना कोई ज़्यादा मेहनत और ना ही किसी को भिगोने की झंझट। इतना आसान टेस्टी डोसा और चटपटी लाल चटनी है कि आप रोज़ सुबह नाश्ते में यही खाना पसंद करोगे। तो फिर चले इस डोसे और चटनी को कैसे बनाते हैं वो देख ले। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, वैसे एक छोटे कच्चे आलू को मिक्सी के जार में डालकर साथ ही साथ दो हरी मिर्ची डालना है। आगे चल के हम लाल मिर्ची पाउडर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप आपके हिसाब से हरी मिर्ची डालिए। फिर 4 से 5 लहसुन और आधा इंच अदरक डाल के 2 या 3 चम्मच पानी डालेंगे। अभी इसे पीस कर सीधा एक मिक्सिंग बाउल में निकाल कर लेते हैं और निकाल लेने के बाद इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच सांभर मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज डालकर बारीक कटी हुई एक शिमला, बारीक कटा हुआ थोड़ा टमाटर और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा गाजर डाल के पहले इन सभी को आपस में मिलाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल यूज़ किए हैं उसमें से आप कुछ घटा या बढ़ा सकते हो। तो ऐसे मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर यहीं पे छोड़ के कम से कम चीज़ों में चटपटी चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए किसी पैन को गैस पे चढ़ा के लगभग 1 चम्मच तेल डालें और जैसे ही तेल गर्म हो जाए पहले 4 से 5 लहसुन, आधा इंच अदरक डालकर 2 चम्मच रोस्टेड चना दाल डालेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक कि चना दाल को हल्का सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तब तक आप देख सकते हो कि दाल सुनहरी हुई है। अभी आंच को धीमा करके इसमें डालेंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्ची और 1 इंच इमली का टुकड़ा डालकर कुछ सेकंड तक चम्मच चलाएंगे। अब इसे गैस पर से उतार के थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालना है। दोस्तों, इस चटनी को हम बिना कोकोनट के बनाने वाले हैं, इसीलिए 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली डालकर स्वादानुसार नमक और चटनी पतली या गाढ़ी कैसे बनानी है उस हिसाब से पानी डालिए और ऐसा स्मूथ पीस के किसी मिक्सिंग बाउल में निकाल कर ले। अब इसमें डालना है तड़का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल को गर्म करके उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्ची के टुकड़े और चना दाल का तड़का बनाकर डाला है। इस चटनी को आप डोसा, इडली या किसी भी नाश्ते के साथ खाओगे तो उसका 2 गुना स्वाद बढ़ेगा। अब जो हमने आलू का मिश्रण बनाया था उसमें 1 कप ज्वार का आटा डालेंगे और साथ ही साथ 3 चम्मच चावल का आटा। क्या है कि ज्वार के आटे में गिल्टन की मात्रा ना के बराबर होती है, इसीलिए चावल का आटा डालना ज़रूरी है। तो लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डाल के इस बैटर को हम गर्म पानी का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं ताकि डोसे एकदम परफेक्ट बने। तो पहले 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, 1 कप ज्वार के आटे के लिए टोटल 2 कप पानी डालने की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम पतला बैटर बनाइए। ये देखो आप, फाइनली हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अभी इसे उठा के चलते हैं किचन के और यहाँ पर हमें पहले किसी तवे को तेल, घी, अब जो भी खाना पसंद करते हो उसे लगाकर तवे को अच्छे से गर्म करें और बाद में तवे के साइज़ के हिसाब से बैटर को ऐसे फैला के डालिए। ध्यान रखिए कि बैटर डालते समय तवा गर्म होना चाहिए। अभी इसे कवर करके 15 से 20 सेकंड सेकेंगे, क्योंकि ज्वार के आटे की वजह से ऊपर से तो ड्राई बनेगा ही लेकिन क्रैक जाने के भी चांसेस होंगे, इसीलिए थोड़ा कवर करें। लेकिन 20 सेकंड से ज़्यादा ढक्कन ना लगाए, नहीं तो ऊपर से चिपचिपा बन के सही नहीं बन पाएगा। तो ढक्कन को जल्दी हटाकर ऊपर से थोड़ा तेल डालिए और 1 से 1.5 मिनट तक सेक ले और जब नीचे से अच्छी तरह सीख जाए तभी दूसरे साइड पलटे। वैसे तो इसे दूसरे ओर से सेक लेने की ज़रूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सेकिए। ये देखो आप, ज्वार के आटे का डोसा बन के तैयार है। तो सेम प्रोसेस करके आप जितने चाहे उतने बड़े आसानी से डोसे बनाकर नाश्ता, लंच, डिनर कभी भी खाए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।